जम्मू में एक अनोखी क्रिकेट टूर्नामेंट हो रही है और आपको बताऊं कि डेफ एंड डम प्लेयर्स की ये टूर्नामेंट हो रही है, जिसमें देश की अलग अलग स्टेट्स के प्लेयर जो हैं इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। लगभग 8 टीमें हैं और 4 दिन तक ये टूर्नामेंट जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में खेली जा रही है। कल इसका जो है वो समापन होगा, सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो खेला जाएगा। बड़ी बात यह है कि इस इन इन टीमों में वो प्लेयर भी हैं जो भारत की जो टीम है उस प्रेजेंट कर चुके हैं और इंटरनेशनल स्तर के जो मैच है वो भी खेल चुके हैं। आज का मैच की बात करें तो राजस्थान और ये कोची के बीच में मैच था और मैच जो है वो कोची ने जीता है और प्लेयर काफ़ी खुश और उत्साहित नज़र आए हैं। साफ तौर पर डेफ एंड डम खिलाड़ी जो हैं ये इतने कह सकते हैं आप कैपेबल हैं और इतने ट्रेन हैं और इतने अच्छे तरीके से क्रिकेट खेल रहे थे कि देखने वालों को बहुत ज़्यादा इसका मज़ा भी आया। बड़ी बात यह है यहाँ पर जो है इसके लिए बकायदा जो है पूरी इसकी वीडियोग्राफी होके एक लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया जा रहा है और अलग अलग माध्यमों से इनके मैचेस जो है वो दर्शकों तक पहुँचाए भी जा रहे हैं। अब हम सुन लेते हैं कि जो यहाँ पर इनके जो ट्रांसलेटर है वो क्या कहते हैं और जो यहाँ पर अंपायर थे उन अंपायर के लिए कितना मुश्किल रहा इनके क्रिकेट मैचेस में अंपायरिंग करना, वो भी सुन लेते हैं और क्या कुछ वो लोग कहते हैं। जी, ये इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन का टूर्नामेंट यहाँ पर हो रहा है, DIPL 5th यहाँ पर हो रहा है। इससे पहले 4 DIPL हो चुके हैं मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर। आज जम्मू में पहली मरतबा हुआ और हम सब खुशी का इज़हार कर रहे हैं और हम सब खुश हो रहे हैं इस चीज़ से कि आज पहली मरतबा समाज से माजूरीन जिनके जो ना कानून से सुनते हैं ना ज़ुबान से कह सकते हैं और उन्होंने आज यहाँ पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छी खुशी की बात है हमारे लिए। 8 टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और 4 दिन का लीग चल रहा है यहाँ पर, जो आज तीसरा दिन है और कल फाइनल होने वाला है और हम सब इसका लुत्फ उठाएंगे और सब इस मैच को देखेंगे। जीतने वाली टीम का जो प्राइज़ है वो बोर्ड को पता होगा, मैं ट्रांसलेटर हूँ, वो उसी दिन पता चलेगा क्योंकि जी वो तो सरप्राइज़ है, वो पता चलेगा क्या होगा। अगर फ़ायदे की बात किया जाए तो यही वो प्लेयर हैं, यही वो मैदान में खेलने वाले बच्चे हैं जो आगे जाके इंटरनेशनल लेवल तक खेलते हैं और इससे पहले भी यही ऐसे ही मैदान है जिन मैदानों से हमारे बच्चे निकलते हैं और खेल के आ चुके हैं। इससे पहले हमारे यहाँ से उमर अशरफ है जम्मू कश्मीर से एक प्लेयर, वो इंटरनेशनल क्वालिफाई कर चुके थे और उससे पहले उन्होंने खेला भी है, दुबई में खेला, अबू धाबी में खेला। अभी यहाँ से एक टीम जा रही है इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, एक बड़ी टीम जाने वाली है जो UK की तरफ जा रही है और उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई ऐसा प्लेयर एक उभरे जो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे। एक्चुअली इससे पहले हम देखते थे कि इससे पहले नॉर्मल्स का क्रिकेट उनको बहुत सराहना जाता था, उनको बहुत आगे पहुँचाया जाता था। सचिन सर की वजह से एक हमें ये एक गुड मैसेज मिल गई कि सचिन सर ने उनको बहुत अप्रिसिएट किया, उन्होंने उनको बहुत आगे पहुँचाया और उम्मीद है कि ऐसे बच्चे भी हमारे जो लेजेंड प्लेयर्स हैं वो इनको देखें, इनको भी हौसला अफजाई करें और आगे पहुँचाने की कोशिश। एक तो ये मज़ा ये है कि जो बाकी खेलते हैं उनसे ये अलग हैं थोड़ा, ये गॉड का क्या कहना इनकी अकॉर्डिंग, बट ये है कि ये शोर वगैरह इनका नहीं होता, बाकी जो बाकी क्रिकेटर्स होते हैं उनसे अलग हैं थोड़े। इन पर थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है कि प्रॉब्लम ये होती है कि इनको साइन लैंग्वेज में समझाना पड़ता है तो थोड़ा सा टफ तो है अंपायर्स के लिए। तो हमें मुश्किल आती है तो इनको एक ट्रांसलेटर इन्होंने रखा होता है, एक तो वो ट्रांसलेट करता है कि ये प्रॉब्लम है कि जैसे इन इम्पैक्ट प्लेयर भी रखा होता है, फिर ये हमें वहीं से साइन लैंग्वेज से समझाते हैं कि ऐसे आप इम्पैक्ट प्लेयर का वो उनको वो करो। हमें इनको मोटिवेट करना चाहिए और टूर्नामेंट होनी चाहिए, जम्मू के लोगों को भी पता लगे कि ये भी एक क्रिकेट होता है, ये भी प्लेयर्स होते हैं, कि प्लेयर्स तो एक जैसे ही हैं, खेलते हैं, ये भी अच्छा खेलते हैं, इनमें से कई इंडिया भी खेले हुए हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें थोड़ा इनको मोटिवेट करना चाहिए, बाकी क्रिकेट तो सेम ही होता है बट इनको हमें मोटिवेट करना चाहिए। तो आपने सुना, उन्होंने बताया कि क्रिकेट तो क्रिकेट होता है लेकिन इन लोगों के लिए थोड़ा सा अलग चैलेंजिंग ज़रूर है क्योंकि एक तो इतना ज़रा शोर शराबा प्लेयर्स नहीं करते हैं, भी ज़्यादातर प्लेयर जो है वो साइन लैंग्वेज में जो है बात करते हैं। इनके ट्रांसलेटर भी है, कभी कुछ दिक्कत अगर अंपायरों को आती है तो इनके जो ट्रांसलेटर है वो सहायता करते हैं, लेकिन डेफ एंड डम जो लोग हैं उनके लिए खेल जो है वो बहुत मज़ेदार है और ऐसे खेलों से इन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिलता है और खेलों में इनकी जो रुचि है वो भी नज़र आती है। जम्मू से ख्वाहिश पटियार की रिपोर्ट।